नमस्कार दोस्तों, मोगरा मेडिसिन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनवांटेड 72 टैबलेट्स के बारे में। अनवांटेड 72 एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, यानी कि ये एक आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली है। दोस्तों, अनवांटेड 72 टैबलेट अनचाहे गर्भ को रोकने का काम करती है। अगर कोई महिला सेक्स के बाद प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो अनवांटेड 72 टैबलेट गर्भ निरोधक गोली का यूज़ कर सकती है। अनसेफ सेक्स करने के कुछ घंटों के भीतर ही इस अनवांटेड 72 पिल का इस्तेमाल करने से ही गर्भ को रोका जा सकता है। दोस्तों, इस गोली का उपयोग करके प्रेग्नेंट होने की संभावना को कई हद तक रोका जा सकता है। अनवांटेड 72 को हार्मोनल टैबलेट भी कहते हैं, क्योंकि इस टैबलेट में प्रोजेस्टिन हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल अनसेफ सेक्स के 72 घंटे के भीतर ही कर लेना चाहिए। इसीलिए इस दवा का नाम ही रखा गया है अनवांटेड 72। दोस्तों, इस दवा का इस्तेमाल रेगुलर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही किया जाता है। अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो आपको आगे चलकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है और इसका यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, इसमें लेवेनोर जेस्ट्रॉल 1.5 मिलीग्राम आता है और इसका सेवन अनसेफ सेक्स के 72 घंटे के भीतर ही कर लेना होता है। इसे आप भोजन के बाद या फिर बिना भोजन किए भी ले सकते हो, पर दोस्तों इसका इस्तेमाल भोजन के बाद ही करें। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही इसका सेवन करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये अनवांटेड 72 टैबलेट खाने से आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स के समय ज़्यादा ब्लीडिंग होना या जी मचलाना, उल्टी होना, थकान होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना। तो दोस्तों, ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं अनवांटेड खाने के बाद। ये टैबलेट सिर्फ लेडीज के लिए ही है। तो दोस्तों, इस टैबलेट का सेवन करने से पहले कभी भी डॉक्टर का सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इसका सेवन करें। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।